आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप एनिमेटेड लोगो बना सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको एक ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं कि हमने अभी जस्ट बनाया है। तो इस तरह का लोगो आप अपने चैनल के लिए एनिमेटेड बना सकते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग होम पेज पे जाएंगे और टेम्पलेट से यहाँ पे सर्च करेंगे लोगो टेक्नोलॉजी लोगो। अब यहाँ पर जब टेक्नोलॉजी लोगो आप ढूंढेगा तो ये देखिए आप इसमें कुछ तो पेड वर्जन मिलेंगे और कुछ आपको नॉन पेड वर्जन मिलेंगे। तो आपको जो यूज करना है वो आप ले लीजिएगा। ब्लैंक भी मिल रहा है, ये देखिए रूज इसमें या पेड लिखा है वो आपका पेड वर्जन है, तो उसको मत यूज करिएगा नहीं तो आपको कॉपीराइट आ सकता है। तो आप उनको यूज कीजिए जो पेड वर्जन नहीं है। तो यहाँ पर एक ये है नॉन पेड वर्जन और देखते हैं नीचे शायद कोई हो। ये है नॉन पेड, ये है नॉन पेड, ये पॉडकास्ट का है तो पॉडकास्ट तो हमें करना नहीं है, अपने चैनल के लिए बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए सारे दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये सब एनिमेटेड और पेड वर्जन है तो इनको मत यूज़ करिए। ऊपर से कोई एक सिंपल हम लोग नॉन पेड वर्जन ले लेंगे। मान लीजिए ये सिंपल सा लेते हैं, ये वाला भी नॉन पेड है तो इसको यूज कर सकते हैं। हम तक कैनवा क्रिएटिंग गोल्ड एंड ब्लैक टाइप है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि ये पेड वर्जन तो नहीं है। तो टेम्पलेट में जाइए, ये देखिए डिफरेंट टेम्पलेट आ रहे हैं, इसको चेक करना हम लोगों को, ये खुला हुआ है तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्री वर्जन है। तो इसको यूज करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर सिंपल हम लिख लेंगे कैप्स लॉक में आरे, क्योंकि हमारा आरे है। और इसको कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर उसने वही लिया, आप वाइट कर सकते हैं जिससे आपका दिखे। और फिर यहाँ पर हम अपना आईटी इंफॉर्मर डाल देंगे क्योंकि हमारा आईटी इंफॉर्मर है, आईटी इंफॉर्मर। और यहाँ पर सन वन हटा देते हैं हम क्योंकि हमको चाहिए नहीं। आईटी इंफॉर्मर को आप बड़ा कर सकते हैं और यहाँ जाके इसको 14 कर देते हैं। तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो दिखेगा। अब ये इसका कलर आपको चेंज करना, देखिए अब जी इसी में है तो यहाँ पर जाइए और इस कलर को ले लीजिए तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इजिली सिंपल लोगो बन जाएगा। जो हमने आपको दिखाया था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा। आप इस वाले को यूज़ करके सिंपल आप बना सकते हैं। हमने 5 लोगो बनाए, उसमें से एक आपको हमने दिखाया। आप अगर दूसरा पेज बनाना चाहते हैं इसी में का, ये सिंपल ना बनाकर, यहाँ पर देखिए सब दिया हुआ है, ये आप इसको यूज़ करके बना सकते हैं, कॉपी स्टाइल कर सकते हैं, यहाँ एनिमेट कर सकते हैं। तो एनिमेट करने के लिए मान लीजिए इसको हम लोग एनिमेट करते हैं तो स्क्रैप बुक ये आ गया, ये देखिए यहाँ से ये आ गया, इसको डिफरेंट ढंग से ये आपका आ सकता है इसमें। तो आपको जो पसंद आएगा वो एनिमेशन आप डाल सकते हैं। ये लेफ्ट से हो या ऊपर जाए, ऊपर जा रहा है जो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
उसी को ले लेते हैं। पेज एनिमेशन भी है, ये देखें यहाँ से पेज एनिमेट कर सकते हैं। तो इस पेज को एनिमेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैसे एनिमेट हो, एनिमेट करना है। तो पेज भी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ये देखिए सारा पूरा पेज एनिमेट होगा। डिफरेंट ढंग से आप एनिमेट कर सकते हैं, आपको जैसे करना है वो करिए। ये वाला अच्छा लग रहा फेड वाला, तो इसी को ले लेते हैं। उसके बाद आपको शेयर करना होता है, जो भी लोगो बन गया उसको शेयर कर दीजिए। तो शेयर करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, और सजेस्टेड है कि MP4 में करें, क्योंकि इसमें एनिमेशन है इसलिए MP4 फॉर्मेट में आपका लोगो आएगा। MP4 फॉर्मेट में हम लोगो को सेव कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये आ गया आपका गोल्ड एंड ब्लैक लोगो, कंपनी लोगो आ रहा है, इसी में सेव कर लेते हैं। गोल्ड एंड ब्लैक कंपनी लोगो सेव, तो आपका ये लोगो सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक और बना लें और जो ज़्यादा बेटर लगे उसको यूज करें, तो यहाँ पे डुप्लीकेट पेज कर दीजिए। अब डुप्लीकेट पेज करने के बाद आप या ऐड पेज कर सकते हैं या डुप्लीकेट। देखिए वन पेज है, ये वाला टू पेज है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा कोई ले सकते हैं, ये ले लिया मान लीजिए, डिज़ाइन कर रहा। ये बहुत सिंपल है, हमें कम से कम दो लाइन वाला चाहिए। हम वापस आएंगे और देखेंगे कि कौन सा है। ये है दो लाइन वाला, लेकिन इसका कलर बहुत डल सा है। एक ये है आपका, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और देखें ये है आपका, लेकिन ये शायद पेड वर्जन है, ट्राई करके देखते हैं। अब देखिए मेरा आरे IT इनफॉर्मर था ना, जैसे ही आप उसको लीजिएगा वो अपने आप उसको सेट कर देगा। तो ये आपका लोगो देखिए दूसरा बन गया। अब इसकी थीम और कलर सब वो पुराने वाले से उसने ले लिया है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप मत करिए। तो इस तरह से आपका ये देखिए, इसमें ये जो कलर था ना वही उसने लिया है, तो ये कलर आपका सेट हो गया और लोगो भी अच्छा बन गया। तो उसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड में जाएंगे। अब आपको देखिए जब दो लोग हो जाएगा तो दो पेज आ जाएगा, तो आपको जो पेज करना है केवल वही करिएगा। तो हम लोग ये वाला पेज लेंगे अपनी और डन कर देंगे। और डाउनलोड प्रीमियम है ना जाए, देखिए इसमें 75 रुपया लग जाएगा, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस वाले को डिलीट कर दीजिए। तो ऐसी कोई भी इमेज आप मत यूज़ कीजिएगा जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब फिर दूसरा देखें, ये तो फ्लॉप हो गया। तो टेम्पलेट में फिर जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा मिलता है। तो रिसेंटली यूज़ नहीं लेंगे, यहाँ पर लेंगे टेक लोगो। तो और लोगो आ जाएंगे यहाँ पे भी, देखिए ये स्मार्ट सॉल्यूशन, ये आया, ये आया, ये आया, ये सारा कुछ आ रहा है। तो इसको लेके देखें, अनलॉक करना पड़ेगा, ये भी पेड वर्जन है। तो फ्री ये देखिए, जिसमें स्टार वो क्राउन बनाया है उसको ध्यान से देखें, नहीं तो आपको पेनाल्टी लग सकती है। अब ये वाला करके देखें, वो बहुत सिंपल सा है, इसमें ए बड़ा है ये देखिए और तब छोटा है, तो ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग और ढूंढते हैं, यहाँ पर फाइल में जाएंगे, होम पे जाएंगे। अब यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ये सिंपल है तो क्या हुआ, अच्छा लग रहा था और फ्री भी है। गोल्ड एंड ब्लैक ये वाला तो चला ही नहीं, रेड एंड ब्लैक ये ले लिया। टेक हब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस,
अब यहाँ पर टैग हब की जगह हम लोग को लिखना है रतन अग्रवाल, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जगह हमें लिखना है आईटी इनफॉर्मर। अब ये बहुत डिम सा है तो इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और लाइट लिया हुआ है तो बोल्ड वाला, ये वाला ले सकते हैं तो ये डार्क हो जाएगा, तो ये एक सिंपल सा लोगो आपका बन जाएगा। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था वो लोगो सबसे अच्छा था और उसको बनाने में हमें बहुत टाइम लगा था, तो आप उसको ट्राई ज़रूर करिएगा। इसमें पिक्चर भी थी, ये नहीं अच्छा लग रहा है तो इसमें फ़ोटो हम लोग डाल के इसको अच्छा बना सकते हैं। तो फोटो लेके यहाँ पर, अब ये देखिए ये वाली फ़ोटो हम लोग ने डाली थी, तो ये वाली फ़ोटो अभी हमें नहीं डालनी है, अभी और कुछ ले लेते हैं जो अच्छा लगे। अब इसमें ये भी फ्री है लेकिन इसमें पता नहीं क्या बना हुआ है, टैग का नहीं है, यहाँ पर टैग डालते हैं। अब टैग में ये देखिए ये सब आ रहा है, तो इसको अगर हम डाल दें, ये भी प्रो वर्जन है, ये भी ये प्रो नहीं है, ये वाला डाल सकते हैं, ये प्रो वर्जन नहीं है, तो इसको डालने से क्या होगा कि बिल्कुल जो वाइट वाइट सा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। और इसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और वाइट की जगह ये थोड़ा सी ब्लू हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, आपका रेड छुप गया, तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए, जब इसको ट्रांसपेरेंट आप बनाइएगा तो क्या होगा, आपकी फ़ोटो भी दिखेगी और लोगो भी दिखेगा। तो इसी तरह से उसमें हमने किया था, इसको यूज़ करके आप अपने इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें ये देखिए डार्क ब्लू वाला भी है लेकिन सब में क्राउन है, सब पेड वर्जन है। ये वाला है देखिए बिना पेड वर्जन, इसको लगा सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये वाला देखिए एक है, तो इतने ढेर सारे हैं, इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, हमने एक सिंपल ही लिया है। और यहाँ से इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, और ये यहाँ से ये देखिए ये पूरा भरना चाहिए, नहीं तो वाइट आ जाएगा उसमें, ये पूरा भर दीजिए इसको, ऊपर तक किया है तो इसको वाइट ही आ रहा है तो इसको यहाँ तक ही लेते हैं। और अब यहाँ पे मान लीजिए आपको चैनल का लिंक भी लगाना है, तो यहाँ पर चैनल लिंक लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपकी फ़ोटो आएगी तो कैसे आएगी दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पे एंटर लिंक करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ से लिंक लाना पड़ेगा और फिर तब पेस्ट करिएगा। तो लिंक लगाने पे उसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एडिट इमेज क्रॉप फ्लिप एनिमेट। अब यहाँ पर आप एडिट इमेज में ये कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर ये कर दीजिएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो हमें चेंज नहीं करना है, बहुत गाढ़ा सा बन जा रहा है, इसमें तो दिखेगा नहीं, ये बेटर है बल्कि थोड़ा सी बेस्ट अपना ओरिजिनल ही है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है और नहीं अच्छा लग रहा है, ओरिजिनल ही ले लीजिए। और यहाँ से एनिमेट इसको आप कर सकते हैं, ये यहाँ से ये देखिए आपका पूरा एनिमेट हो जाएगा। एनिमेट पेज एनिमेशन होता है, एक होता है आपका डिजिट जो आप ले रहे हो उसका एनिमेशन, फोटो मूवमेंट
ये वाला देखिए, ये एग्जैजरेट हो गया, ब्लॉक नियॉन करेगा, तरह तरह का है, आपको जो पसंद हो वो लीजिए आप और उसको बना लीजिए। स्लाइड करेगा, ये देखिए, ये पूरा, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको कर सकते हैं आप। अब इसको अपडेट करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे अभी हम लोग, शेयर करेंगे। शेयर करने पे अब हमारे पास दो पिक्चर हो गई है, तो हमें जो पिक्चर शेयर करनी है वो वाली लेंगे। तो डाउनलोड में जब हम जाएंगे तो ये वाली नहीं, एक ही थी, तो इसको वो डाउनलोड कर रहा है। तो ये एक सिंपल लोगो बन गया, आप इसको यूज़ कर सकते अपने चैनल के लिए, और जितना ज़्यादा आप इसमें रिसर्च करेंगे उतना अच्छा लोगो आप बना पाएंगे। जैसा कि हमने पिछली बार आपको दिखाया, उसमें बहुत टाइम लगा था, तो यहाँ पर अगर आप जाइएगा तो आपको फ़ोटो अगर देखिएगा तो बहुत सी फ़ोटो मिलेगी, उसको डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो को यूज़ करके फिर उसको बनाइएगा, तो आपका लोगो बहुत अच्छा बनेगा। So this is all to the viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Thank you. तो आज हमने 5 लोगो बनाए, तो कैनवा ने हमको एक माइलस्टोन का सर्टिफिकेट भी दिया, आप लोग भी इसको अचीव कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट के देखिए डिफरेंट स्टाइल है, जिस फॉर्मेट में आप चाहिए आप निकाल सकते हैं, हमने सिंपल वाला ही लिया है। आप लोग भी कैनवा में लोगो और बैनर और आप थंबनेल बनाइए और आप भी अचीव कर लीजिए सर्टिफिकेट को। सो बेस्ट ऑफ लक, ट्राई करिए कैनवा को, और ये कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में चलता है, और आप इसको यूज़ करके अपने लोगो, थंबनेल और बैनर को बनाइए। थैंक यू।